हेलो गाइस, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई योजना आई है। इस योजना का लाभ कैसे उठाएं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च बार पे सर्च करना होगा। सर्च बार पे आप सर्च करिए सरकारी योजना। सरकारी योजना में आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसे इंटरफेस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देख लीजिए। ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इस इंटरफेस पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है सरकारी योजना पे। सरकारी योजना पे क्लिक कर दिया। सरकारी योजना पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ऊपर उठाना है, देखिए आ गया। ये है सबसे लेटेस्ट, ये आपको 10 जनवरी 2024 को अब इस नियम को लागू किया गया है। तो इस नियम का नाम है हरियाणा डोंट मिस आउट, इसका नाम है हरियाणा रोजगार पोर्टल 2024 ओपनिंग डोर टू गवर्नमेंट जॉब्स। आइए इसको पूरा पढ़ते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, हरियाणा रोजगार पोर्टल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी को। कंपनी आर्टिकल में जैसे एक नाम सभी को बता दो कैंसर रहो करो राज्य सरकार के द्वारा भेजना लीडर को कम करने के लिए नरेंद्र प्रयास करती रहती है। और इसी तरह हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा रोजगार पोर्टल कॉल किया गया है। राज्य के सभी बेरोजगार द्वारों दर को कम करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जो रोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करेगी और उनके साथ हरियाणा रोजगार पोर्टल का पर बेरोजगारी युवा अपनी योगदान अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा रोजगार पोर्टल रजिस्ट्रेशन, इस पोर्टल पर राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं युवती ऑनलाइन रजिस्टर कर रोजगार की सुविधा पर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी इस रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपको हरियाणा रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आज हम आप सभी को अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा रोजगार पोर्टल से जुड़ी सारी जानकारियाँ देने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका हरियाणा रोजगार पोर्टल इतना तो पढ़ लिया है हम लोग, इसमें भी वही। अब यहाँ देख लीजिए पोर्टल का नाम, इस योजना का नाम क्या है। इस योजना का नाम है हरियाणा रोजगार पोर्टल 2024। शुरू किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा। उद्देश्य, बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना। राज्य हरियाणा, आवेदन करने का है। यहाँ देख लीजिए ऑनलाइन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इस पर आप क्लिक करके वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हरियाणा रोजगार पोर्टल के लाभ एवं विशेषताएं। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के बेरोजगारी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा रोजगार पोर्टल को शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य का कोई भी रोजगार नागरिक रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। हरियाणा रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवा अपनी योग्यता के अनुसार आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के युवा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपनी अच्छे इच्छा के अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से समय समय पर रोजगार प्राप्त होगा, इसका आयोजन भी किया गया है, जिसमें भाग लेकर उम्मीदवार सरकारी एमजी संस्थानों में रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। हरियाणा रोजगार पोर्टल राजकीय नौजवान युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का एक मंच है, जो देश के विदेश की कंपनी में काम करने का अवसर प्रदान करती है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के अधिक युवाओं को नौकरी प्राप्त होगी। हरियाणा रोजगार पोर्टल रजिस्ट्रेशन जिससे बेरोजगार की समस्या में कमी होगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने से नौकरी की तलाश में युवाओं को इधर उधर भटकना पड़ता है। क्या पोर्टल राज्य के अधिक से अधिक रोजगार शिक्षा युवाओं को रोजगार प्राप्त करने जिससे बेरोजगार में कमी होगी। हरियाणा रोजगार पोर्टल 2024 के माध्यम से राज्य के युवा
रोजगार प्राप्त पर आत्मनिर्भर सूचना बनेगा। यह पोर्टल युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने की सहायता करेगा। हरियाणा रोजगार पोर्टल के लिए पात्रता, पात्रता क्या क्या चाहिए। हरियाणा रोजगार पोर्टल का आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। रोजगार पोर्टल के लाभ उठाने के लिए आवेदन को कम से कम 10वीं पास होने आवश्यक है। इस पोर्टल का लाभ प्राप्त करने के उम्मीदवारों के पास पहले से अन्य कोई रोजगार का साधन नहीं होना चाहिए। केवल हरियाणा राज्य के बेरोजगार युवाओं को भी इस पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए पात्र माने जाएंगे। अब आ जाइए हरियाणा रोजगार पोर्टल आवश्यक दस्तावेज। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो दस्तावेज में आपको देख लीजिए यहाँ लिखा है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये सारे चीज़ चाहिए। हरियाणा रोजगार पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। अगर आप हरियाणा राज्य के स्थित बेरोजगार हुए हैं तो और हरियाणा रोजगार पोर्टल का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सभी प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करना होगा ताकि आप हरियाणा रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। देखिए यहाँ ऐसा सब कुछ लिखा है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ है, देख लीजिए ऐसा इंटरफेस खुला हुआ आ जाएगा। उसके लॉगिन कर लेना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उसे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। देखिए ऐसा यहाँ सारा दिखा दे रहा है, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपको पेज रजिस्ट्रेशन करके दिखाई देगा और इसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करके जॉब स्किलर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सिंगअप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। ऐसा नया पेज खुलकर आ जाएगा आपके सामने। इसके आपको इस पेज पर अपना मोबाइल नंबर और दिए गए सभी कैचअप कोड को दर्ज कर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जिससे आपको ओट बॉक्स में दर्ज कर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई करते ही आपके सामने हरियाणा जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। इसके बाद आपसे मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट किया ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप हरियाणा रोजगार पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।